वाह, माया क्या करने आ गई? अगर माँ को मेरी जॉब के बारे में पता चल गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या करूँ क्या करूँ? सर वो आपसे एक रिक्वेस्ट है। हाँ बोल। सर क्या आप मुझे मैनेजर बना दोगे इस रेस्टोरेंट का? तेरा दिमाग खराब है क्या? तुझे 1 महीना नहीं हुआ यहाँ ज्वाइन करे और तुझे वेटर से सीधा मैनेजर बनना है? कोई नशा नुशा करता है क्या? नहीं नहीं सर, मैंने कोई नशा वशा नहीं किया है, सच में सर। और मैं आपको कौन सा सच में बनाने के लिए बोल रहा हूँ, बस थोड़ी देर के लिए बना दो ना सर, प्लीज। अरे तेरा मतलब क्या है, साफ साफ बोल। सर वो बात यह है ना कि बाहर मेरी माँ आई हुई है और मैंने उन्हें बता रखा है कि मैं यहाँ मैनेजर की पोस्ट पर काम करता हूँ, और उन्हें पता चला कि मैं वेटर हूँ, सब में काफ़ी बुरा लगेगा। वाह, अपनी माँ से ही झूठ बोला हुआ है। अगर तुझे इतनी ही शर्म आ रही है ये काम करने में, वेटर की जॉब करने में, तो क्यों कर रहा है? नहीं नहीं सर, मुझे कोई शर्म नहीं आती वेटर की जॉब करने में। वो बात है ना सर, मैंने इंजीनियरिंग की हुई है और पिछले 1 साल से मुझे कोई जॉब नहीं मिल रही थी, तो बस मुझे वेटर की जॉब करनी पड़ी अपना घर चलाने के लिए। अब सर मेरी माँ को बुरा लगेगा ना, और उन्हें पता चला कि मैं वेटर की नौकरी करता हूँ। अब उन्होंने तो मुझे इतनी मेहनत करके पढ़ाया लिखाया है सर, वेटर की जॉब के लिए थोड़ी ना, इंजीनियर की जॉब के लिए पढ़ाया लिखाया था। तो बस इसलिए बोल रहा हूँ सर मैं आपसे। वो सब तो ठीक है, लेकिन तूने अपनी माँ से झूठ क्यों बोला? सर जिस माँ ने इतनी मेहनत करके अपने बेटे को इंजीनियर बनाया हो और उसका वही बेटा एक रेस्टोरेंट में वेटर की जॉब कर रहा हो, तो उस माँ को खुशी कैसे मिल सकती है यार। तो बस सर मैंने अपनी माँ को बताया कि मैं मैनेजर की पोस्ट पे काम करता हूँ। मेरी माँ को सर बहुत खुशी मिली थी, वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुई थी। लेकिन सर जब उन्हें ये पता चलेगा कि उनका बेटा वेटर की जॉब करता है, तो उन्हें काफ़ी दुख होगा, टूट जाएंगी सर वो। ठीक है, माँ के लिए तो इतना कर ही सकते हैं। मैं जाके उन्हें देखता हूँ, तो ये कोट पहन के आ जाना। ठीक है सर। हाँ जी माँ जी, बताइए। बेटा, मेरा बेटा यहाँ पर काम करता है, मैं उससे मिलने आई हूँ। मैनेजर है वो, सागर नाम है उसका। क्या आप सागर सर की माँ जी हो? नमस्ते माँ जी, जी तेरा खुश रहो। आइए ना माँ जी, बैठिए, बताइए क्या खाएंगे आप। अरे नहीं नहीं कुछ नहीं बेटा, मैं तो बस उससे मिलकर चली जाऊंगी। अरे ऐसे कैसे चले जाओगे? हमारे सर की माँ हो आप और पहली बार आए हो, बिना खिलाए नहीं भेजेंगे आपको। और एक बात बताऊं, अगर आप सर को ना बताओ तो? क्या हमारे सर जैसा मैनेजर मैंने आज तक नहीं देखा। वो इतने अच्छे हैं कि हमें बिल्कुल अपने भाई जैसे रखते हैं, और मेहनती भी बहुत है वो। हाँ बेटा, ये बात तो एकदम सच है, मेहनती तो बहुत है मेरा बेटा। अरे माँ, आप कब आए? बस अभी आई, सोचा कि आज जाके अपने बेटे का रेस्टोरेंट देखाऊं। अगर आप आने वाले थे तो कम से कम एक बार मुझे बता देते, मैं आपको लेने के लिए आ जाता, या फिर किसी को भेज देता ना। अरे क्यों, मैं अभी इतनी बुढ़ी नहीं हुई हूँ कि खुद चलकर यहाँ तक ना आ सकूं। अच्छा चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब आप ये बताओ क्या खाओगे आप? कुछ नहीं बेटा, मैं तो बस तुझसे मिलने आई थी, ये देखने आई थी कि तू काम ढंग से करता है कि नहीं करता। हाँ हाँ माँ, मैं काम बहुत अच्छी तरह से करता हूँ। अच्छा बेटा एक बात कहूँ, ये जो लड़का है ना, ये बहुत अच्छा है। अगर कभी तेरे मालिक से बात हो ना, तो उनसे कहकर इसकी तनख्वाह बढ़वा देना, ये बहुत प्यारा बच्चा है बेटा। हाँ माँ, ये है तो बहुत अच्छा ही, और सच बताओ तो आज मैं जो भी हूँ ना, सिर्फ इनकी वजह से ही हूँ। क्या मतलब? अरे मतलब ये कि मैं यहाँ काम इतनी अच्छी तरह से करता हूँ सिर्फ इनके सपोर्ट की वजह से। ये मेरा पूरा मन लगा के रखते हैं, बस वही बता रहा था। अच्छा बेटा चलो हम, और बेटा मेरे बेटे का ध्यान रखना। जी माँ जी, छोड़ के आ जाता ना मैं आपको। अरे कहा ना, मैं बुढ़ी नहीं हूँ, खुद चली जाऊंगी। चलो बेटा खुश रहो। नमस्ते माँ। ठीक है माँ, ध्यान से जाना। सर अरे पागल है क्या? देख सागर, तूने इंजीनियरिंग की हुई है और मैं नहीं चाहता कि तू यहाँ पे जॉब करे। सर आप बताइए ना, मुझसे अगर कोई गलती हुई है तो आपसे सॉरी मांग लेता हूँ, और मैंने जो भी किया सिर्फ अपनी माँ के लिए किया था। मैं भी माँ के लिए ही बोल रहा हूँ। सर प्लीज ऐसा मत कीजिए ना सर, प्लीज। शांति रख, ये कार्ड रख, ये मेरे भाई की कंपनी है, यहाँ जाके कल इंटरव्यू दे देना, मैं कॉल कर लूँगा। तुम्हारी क्वालिफिकेशन के हिसाब से यहाँ कोई ना कोई पोस्ट तुम्हें जरूर मिल जाएगी।
सर वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर फिर? अरे इंजीनियरिंग की पढ़ाई तूने वेटर बनने के लिए थोड़ी ना किया है, यहाँ तो कोई और आ जाएगा। सर इतना सब कुछ एक बार में मिल रहा है, मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पाऊँगा। और सच बताओ ना सर, इससे पहले ना कभी लाइफ में इतने अच्छे लोग नहीं मिले मुझे। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर। अरे मैं ये तेरे लिए नहीं कर रहा भाई, मैं ये तेरी माँ के लिए कर रहा हूँ। मैं तो अपनी माँ को अपनी कामयाबी दिखा नहीं पाया, कम से कम तुम तो अपनी माँ को अपनी कामयाबी दिखाओ। ठीक है, ध्यान रखना अपना और अपनी माँ का, और टाइम मिले तो यहाँ बीच में आते रहना। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर, नमस्ते।